Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my YouTube channel Iqbal Health Center. Friends, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ट्यूमर ऑफ द यूट्रस के मुतल्लिक आपको तफसील से आगाह किया था. So friends, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी रहम का टल जाना. तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में रहम के टल जाने की वजूहात, अलामात और कुछ मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में आपको तफसील से आगाह करूंगा. सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाए. और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सके. फ्रेंड्स, रहम अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाए तो उसे रहम का टल जाना या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं. इस मर्ज को हम तीन दर्जों में तकसीम करते हैं जो कि रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस यानी रहम का ढीला हो जाना, प्रोलैप्सिस और प्रोसिडेंशिया कहलाता है. रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस में रहम किसी भी वजह से ढीला होकर अपनी जगह से हट जाता है. अगर रहम के पट्टे कमजोर हो जाए तो ऐसा हुआ करता है. इसका दूसरा दर्जा प्रोलैप्सिस कहलाता है. इस दर्जे में रहम ज्यादा ढीला हो जाता है और अज़ाए तनासल यानी वजाइना तक आ जाता है. जबकि तीसरे दर्जे यानी प्रोसिडेंशिया में रहम वजाइना से बाहर निकलने लगता है. फ्रेंड्स, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कई वजूहत हो सकती है, जैसा कि ये मर्ज वजन उठाने के बायस भी हो सकता है, वजह हमल के बाद चटने फिरने से भी हो जाता है, इसके अलावा ज्यादा जिस्मानी मशक्कत से या हैज के दिनों में भागने दौड़ने, हैज के दिनों में उछल कूद करने से भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है. रहम किसी चोट वगैरह के बायस भी टल जाता है. रहम के पट्टे ढीले हो जाएं तो भी ये मर्ज हो सकता है. अगर ज्यादा अरसे तक घुड़सवारी की जाए तो भी रहम अपनी जगह से टल सकती है. इसके अलावा क्रॉनिक खांसी के बायस, बहुत ज्यादा दस्त या कह के बायस, बवासीर के बायस, शदीद कब्ज के बायस या जलाब और अद्वियात के बायस भी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है. फ्रेंड्स, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की अलामात में कमर दर्द, कोल्हों में दर्द, थकावट, तमाम जिस्म में दर्द और दुखन नुमाया होती है. इसके अलावा ज्यादा देर तक खड़ा रहने से मरीजा को गशी का दौरा हो सकता है. मरीजा को ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज वजाइना से बाहर निकल आएगी. मरीजा को लकोरिया की शिकायत हो जाती है, कब्ज भी हो सकती है और रहम के टल जाने से हैज की कसरत भी हो जाती है. बाज़ुकात मरीजा को बार बार पेशाब की हाजत होने लगती है. मरीजा का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और रहम के टल जाने की सूरत में तमाम अलामात चलने फिरने और वजन उठाने से बढ़ती हैं, जबकि चित लेटने से अलामात में कमी हो जाती है. फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज बताता हूं जो कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की सूरत में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज हैं. अगर ये मर्ज चोट लगने के बायस हो तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी आर्निका 30 या 200 इस्तेमाल की जा सकती है. रहम के टल जाने की सूरत में अगर मरीजा को ऐसा महसूस हो जैसे हर शय वजाइना से बाहर निकल आएगी, रहम के मुकाम पर सख्ती महसूस हो और बुखार की कैफियत हो तो होम्योपैथिक रेमेडी बेलाडोना 30 और 200 बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है. फ्रेंड्स, होम्योपैथिक रेमेडी पोडोफाइलम 1 mg रहम के टल जाने में और मुकद के बाहर निकल आने में बहुत मुफीद दवा है. इन अलामात में ये दवा हर 4 दिन के बाद एक खुराक देनी चाहिए और अगर बच्चा की पैदाइश के बाद ये आर्जा हो तो ये दवा बेहद मुफीद है. रहम का टल जाना, रहम की सोजिश और पेशाब पखाने की हाजत बार बार हो तो होम्योपैथिक रेमेडी नक्सवामी का 200 इस्तेमाल की जा सकती है. फ्रेंड्स, अगर किसी मरीजा की यूट्रस के पट्टे ढीले पड़ गए हों तो होम्योपैथिक रेमेडी कल्केरिया फ्लोर 3x इस्तेमाल कराने से यूट्रस के पट्टे मजबूत हो जाते हैं, इनका ढीलापन दूर हो जाता है
और यह दवा बहुत फायदेमंद साबित होती है। अगर किसी मरीजा को ऐसा महसूस हो कि हर एक चीज पैरों से बाहर निकल आएगी, मरीजा इसलिए चौकड़ी मारकर बैठती है ताकि ऐसा होने से रोक सके, और इस मर्ज की वजह से मरीजा के चेहरे पर छाइयां पड़ने लगे, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी CP30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सर्दी या किसी डर खौफ के बायस यूट्रस अपनी जगह से टल जाए और साथ ही यूट्रस की सोजिश हो जाए, तो होम्योपैथिक रेमेडी एकोनाइट 30 जल्द जल्द दोहराने से केस संभल जाता है। अगर शदीद दस्तों के बायस यूट्रस टल जाए, तो होम्योपैथिक रेमेडी एलोस 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीजा के हैज के बंद हो जाने से रहम टल जाए, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी लेक्सिस 1 mg की एक खुराक हर 10 दिन के बाद देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीजा की यूट्रस वजन उठाने के बाद टल जाए, तो होम्योपैथिक रेमेडी रस्टॉक्स 200 को सोने से कबल इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी रस्टॉक्स 200 की एक खुराक रोजाना रात सोने से कबल ली जाए, तो ये दवा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स, अगर कोई मरीजा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की सूरत में नीचे की जानब लगातार बोझ महसूस करे और मरीजा को बार बार पखाने की हाजत रहती हो, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी लिलियम टिक 200 इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की ऐसी मरीजा जिसका पेट बड़ा हुआ हो, हाथ पांव ठंडे रहते हो, सांस जल्द फूल जाता हो, सर में और हाथों में पसीना आता हो, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी कल्केरिया कार 30 इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर किसी मरीजा की रहम अपने मुकाम से हट जाए और बाहर निकल आए, तो होम्योपैथिक रेमेडी हेलोनाइस 30 भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की सूरत में मरीजा को मुकम्मल आराम करना चाहिए। ऐसी सूरत में मरीजा का चित पोजीशन में लेटना ज्यादा आरामदेह होता है। मरीजा को हर किस्म की मुशक्कत और वजन उठाने से परहेज करना चाहिए। मरीजा को कोशिश करनी चाहिए कि कब्ज किसी सूरत ना हो, इसके लिए हल्की और जूद हजम गजा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा इस बीमारी में मुबतला मरीजों के लिए ठंडे पानी से गुसल करना फायदेमंद रहता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।